पिताजी। तुम यहां अभी एक महीना भी नहीं बचा चुनाव शुरू होने में, और तुम सब छोड़ के यहां आ गए। घर आने का मन किया मेरा। मन किया और निकल पड़े। तुम्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, तुम्हें कार्यकर्ता के साथ होना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम आ गए। कहीं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के, हाँ सब पता चल गया है मुझे। सुबह होने के पहले चले जाऊंगा मैं, किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? पार्टी का अध्यक्ष रात को छुपते छुपाते अपने घर आता है चोरों की तरह, और तुम कहते हो पता नहीं चलेगा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं विशाखा से बात करने आया हूं। मैं जानती थी तुम नहीं आओगे। मैं मर जाऊंगी तो भी नहीं। तुम्हारे ऊपर इलेक्शन की जिम्मेदारियां जो है, लेकिन मेरे और यव के संबंधों के बारे में सुनकर दौड़े चले आए, है ना? तुमने जो भी कुछ सुना वो पूरी तरह से सच है। यव और तुम एक जैसे ही हो। तुम दोनों चले गए बिना बताए, वापस भी चले आए, जैसे सत्ता ही सब कुछ है। मेरे लिए सत्ता बड़ा नहीं है, नहीं है मेरे लिए बड़ा। क्यों चले गए? तुम्हें क्या लगता है राजनीति की राह इतनी आसान है? चुनावी रैलियां, सभाएं, जोड़ तोड़, या फिर यव की तरह सत्य की राजनीति, पूरी तरह से समर्पित कर देना पड़ता है अपने आप को इस राजनीति के चक्कर में, और अंत में मिलता क्या है? इस कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं। नफरत है मुझे ऐसी राजनीति से, पर फिर भी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि एक बार जो इस राजनीति के चक्कर में आ जाता है फिर इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। राजनीति का जो चक्र है ना, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसके लिए तुम्हें सारे संबंध, सारे नियम तोड़ देने होंगे। जब तुम कहती हो सारे, तो वो भी तो एक नया नियम ही है। चुनाव जीतने के बाद घर आएंगे? ऐसा करना तो एक आम आदमी की तरह हो जाएगा ना? पर इसमें गलत क्या है? मुझे कुछ पूछना नहीं चाहिए, मुझे चुप रहना चाहिए, और आप तो चुप रहेंगे ही।
आप जाना ही चाहते हैं ना? तो ठीक है, मुझसे शादी की है तो मुझ पर एक उपकार करती जाइए। लो, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालू? चलो, तुमने कोई सवाल तो किया। हम यहां तीन, तुम्हारा भाई तो कभी घर होता नहीं, बाकी बचे मैं और तुम्हारे पिता। तुम्हारे पिता के अंदर कुछ मरसा गया जब तुम्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। एक तरफ तुम्हारे प्रति क्रोध और दूसरी तरफ मेरे लिए वासना, एक बूढ़े की अतृप्त वासना। यहां था कौन जिस पर वो अपना क्रोध निकालते? केवल मैं। यौमे अब भी नहीं बचा था। उसने दो पल के लिए मुझे सब कुछ भुला दिया। लो, आ रहा है वो। मुझ पर एक उपकार करो इसके पहले कि वो मेरे साथ कुछ गलत करे। मार डालो मुझे। अब तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने सच कहा था या झूठ। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने यफ की हत्या क्यों की? ताकि मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं। ये यफ को नहीं बल्कि मुझे मेरी जगह से हटाना चाहते थे और इसीलिए मुझे इन्हें